नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। इस दिन नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नितिन गडकरी और रामटेक से के उम्मीदवार राजू पारवे ने अपना नामांकन पर्चा भरा। इस वक्त हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। नागपुर लोकसभा सीट से महायुति के अधिकृत उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामटेक सीट के उम्मीदवार राजू पारवे ने अपना नामांकन दाखिल किया। सुबह संविधान चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस वक्त उन्होंने आकाशवाणी चौक से लोगों को संबोधित किया। इस यात्रा में महायुति के उम्मीदवारों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए, पिरपा के जोगेंद्र कवाड़ी, राका अजित पवार गुट के प्रशांत पवार, प्रफुल्ल पटेल और तुमानी मौजूद थे। असल में आज से लोकसभा की असल लड़ाई शुरू हुई है। आज नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है आज पर्चा भरने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पे जो है लोगों की भीड़ दिख रही है और जिस प्रकार से जो है गर्दी और लोगों का हुजूम जो है उनके साथ है। बड़े सभी 6 विधानसभा के विधायक जो है इस यात्रा में शामिल हुए हैं। जो अभी अभी जो कांग्रेस के जो नेता थे सुधीर राजू पारवे जो वो भी शिंदे गुट में शामिल हुए हैं वह भी गडकरी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सभी 6 विधानसभा के जो भी विधायक हैं वो सभी इस नितिन गडकरी के साथ नजर आ रहे हैं। और आज जो है इस महायात्रा में जो नितिन गडकरी की पर्चा भरने की यात्रा जिसे हम कह सकते हैं उसमें शामिल हुए और बड़े पैमाने पर जो है लोग इसमें शामिल हुए हैं, जनता इसमें शामिल हुई और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की बड़ी गर्दी है इस यात्रा में और सभी सुरक्षा विभाग नागपुर पुलिस चाक चौबंद है सुरक्षा के लिए है। और साथ ही में आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। यह कोई आम बात नहीं है। इसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी एक प्रकार से इस माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है और इसी के साथ बड़े पैमाने में लोगों की कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जा रही है। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर शामिल हुए हैं इस महायात्रा में और लोगों की एक गर्दी इसमें नजर आ रही है। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है नितिन गडकरी अपने रथ पे दिख रहे हैं और इस बड़ी महायात्रा में लोग इसमें शामिल हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ इस यात्रा में दिख रही है। आप देख सकते हो कि सभी भारतीय खेलों के प्रतिनिधि यहां पर आए हैं और जिसके माध्यम से लोग अपने भारतीय खेलों का प्रदर्शन भी नितिन गडकरी के इस पर्चा भरने की यात्रा में कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ जो है आप देख सकते हो और बहुत से लोग जो है इस यात्रा में आए हुए हैं। आप देख सकते हो कि महिला पुरुष और युवा बड़े पैमाने पर इस महायात्रा में शामिल हुआ है। हुजूम इसमें दिख रहा है। केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं युवाओं के लिए भी की गई है जिसको देखते हुए युवा काफी उत्साह में दिख रहा है। और आप जो देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं जिसे लगता है कि लोगों का एक जो है झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। खासा नितिन गडकरी के जो काम है उसको भी लोगों ने काफी सराहा है। सभी जो भाजपा के प्रत्याशी है वो केंद्र सरकार की योजनाओं को देखते बताते हुए नजर आते हैं और अपने मीडिया के साइड में और इस प्रकार से नितिन गडकरी के इस महायात्रा में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए हैं। हर तरफ से महिला है, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी योजनाएं लाई है जिसकी वजह से आज जो है भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा में बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ महिलाएं भी दिख रही है। नितिन गडकरी जी पर्चा भरने की इस यात्रा में आप देख सकते हो कि सभी विधानसभा के जो 6वीं विधानसभा के सभी विधायक जो इसमें शामिल हुए, सातवें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नए शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, राजू पारवे भी इसमें शामिल दिख रहे हैं और साथ ही
राष्ट्रवादी कांग्रेस और सभी घटक दलों के महायुति के सभी घटक दल के सभी प्रतिनिधि इस नितिन गडकरी के साथ इसमें नजर आ रहे हैं और इस पर्चा भरने की यात्रा में जो है शामिल हुए हैं। इसके साथ सभी विधानसभा के जो लोग हैं जो इस महायात्रा में शामिल दिख रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग इसमें आए हुए हैं और आज नितिन गडकरी इसके बाद जो है जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर अपना नामांकन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नागपुर से पर्चा भरेंगे। इस पूरी यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ ही भारतीय खेलों के खिलाड़ी अपने खेलों के प्रदर्शन के साथ गडकरी और पारवी का स्वागत करने मौजूद थे, जिन्होंने मलखाम और रस्सी योग के माध्यम से गडकरी को शुभकामनाएं दी। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।